गाइस वेलकम बैक इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फजी लॉजिक कंट्रोल सिस्टम, FLC भी बोलते हैं इसको। तो देखो, फजी लॉजिक की क्या नीड पड़ गई, एक कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम कैन बी एनीथिंग, या लाइक आपकी कार के अंदर कोई कंट्रोल करने के लिए किसी भी चीज़ का ब्रेक सिग्नल्स एनीथिंग, ठीक है, किसी भी मशीन डिपार्टमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है। बट उसी चीज़ को, कंट्रोल सिस्टम को, अगर फजी लॉजिक्स के अंदर देखा जाए तो हाउ विल वी गेट द बेटर थिंग इन दैट। तो देखते हैं क्या होता है कंट्रोल सिस्टम पहले। तो सो कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट इज इन एन अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट डिजाइन टू अल्टर द अनदर फिजिकल सिस्टम सो दैट दिस सिस्टम एग्जिबिट सर्टेन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि एक फिजिकल कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट है और किसी चीज़ को डिजाइन ताकि ये बदल पाए किसी अनदर फिजिकल सिस्टम में, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम एक तरह से किसी भी ब्रेक को कंट्रोल करना कार के अंदर, या सिग्नल के ऊपर रेड ग्रीन ब्लू इनको कंट्रोल करना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ वी आर आस्किंग टू द कि हमें फजी लॉजिक से क्या नीड पड़ रही है कंट्रोल सिस्टम में। सो वाई अप्लाइंग ट्रेडिशनल कंट्रोल, नॉर्मल अगर क्लासिकल कंट्रोल यूज करते हैं तो वन नीड टू नो अबाउट द मॉडल। पहले वाले सिस्टम को तो देखो, इसके अंदर दो चीज़ होगी। पहले वाले को तो मॉडल के बारे में पता होना चाहिए और अदर वाले को ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। दैट फॉर्मुलेटेड इन अ प्रिसाइज टर्म दिस मेक इट डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द मेनी केसेस। अब बहुत सारे केसेस होंगे, उसमें दो दो बार करना पड़ेगा। By applying fuzzy logics for the control, we can utilize the human expertise and the experience for the designing a controller. Human expertise and experience को अपन utilize कर पाएंगे by applying fuzzy logics for a control system. और मज़ेदार बात यह है कि फजी कंट्रोल रूल्स क्या करते हैं, बेसिकली इफ एंड देन रूल्स को फॉलो करते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। एंड कैन बी बेस्ट यूटिलाइज इन डिजाइनिंग ए कंट्रोलर, किसी भी कंट्रोलर को डिजाइन करने के लिए इफ देन रूल बेस्ट रहता है। तो अब अपन इसका आर्किटेक्चर देखते हैं, किसका, FLC का। सो लेट्स सी द आर्किटेक्चर ऑफ फजी लॉजिक्स कंट्रोल। इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आता है इनपुट। इनपुट आ जाता है फजी फाइजर के पास में। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनपुट यहाँ पर आया, यह नॉर्मल इनपुट है, जैसे कोई भी चीज़, क्या ये ठंडा है, ये क्वेश्चन किया, तो आप बोलोगे येस या नो। ये होता है क्रिस्पी वैल्यू, ठीक है। फजी वैल्यू वो होती है जो 0 से 1 के अंदर बताती है कि वेरी मच ठंडा है या कम ठंडा है या नॉर्मल ठंडा है। तो इसमें पॉइंटों में बात होती है। तो ये क्या करेगा, क्रिस्पी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ कन्वर्ट कर रहा है आपका फजी वैल्यूज़ के अंदर। तो इनपुट आ गया फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स बन गए यहाँ पर। इनपुट फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स यहाँ पे बन गए हैं। नॉलेज डेटाबेस यहाँ पर आ गया। नॉलेज डेटाबेस क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के स्पेसेस को अलग करता है और मेंबर फंक्शंस में भी काम करता है नॉलेज डेटाबेस। फर्दर अपन यहाँ पहुँचते हैं फजी इन्फेरेंस रूल्स में, जहाँ पे रूल बेस काम करता है। रूल बेस का काम क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स का सिलेक्शन करता है। साथ के साथ इसके खुद के एक रूल्स होते हैं, टाइप ऑफ फजी कंट्रोल रूल, यानी कि फजी कंट्रोल के जो जो रूल्स होते हैं वो इसके अंदर कंसिडर होते हैं। साथ के साथ फजी कंट्रोल रूल्स होते हैं, ठीक है। इन्फेरेंस रूल्स, अभी इसके अंदर ये चीज़ आ गई, रूल्स आ गए और यहाँ से फजी इनपुट आ गया। नाउ ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से कर्नल की तरह एक्ट करेगा फजी लॉजिक कंट्रोल का। तो ये एक तरह से इट सिमुलेट्स द ह्यूमन डिसीजन बाय परफॉर्मिंग अप्रोक्सीमेट रीजनिंग, जो मैंने आपको बताया थी सॉफ्ट कंप्यूटिंग की रेफरेंस में। अप्रोक्सीमेट रीजनिंग अचीव करने के लिए इसको ह्यूमन डिसीजन की तरह सिमुलेट करके देता है। और यहाँ पे अपन को आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या होगा, डीफजीफिकेशन, जिसके अंदर क्या होता है फजी वैल्यूज फर्दर इसमें क्रिस्पी वैल्यू यानी कि नॉर्मल वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जहाँ ये जाएगा प्लांट में, प्लांट से सेंसर्स में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अपन एक तरह से फाइनल आउटपुट ले सकते हैं और कुछ चेंजेस करानी है तो वो दोबारा से ये चीज़ प्रोसेस रिपीट होती रहती है। लाइक अपन को एरर मिल गई, देन फर्दर इसके अंदर जाएगा, देन प्रोसेस इस तरह से ये चलती रहेगी। दैट्स ऑल। सो तो कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया, फजी फाइजर क्या करता है, कन्वर्ट कर रहा है क्रिस्पी वैल्यू को फजी वैल्यू में। फजी नॉलेज बेस क्या कर रहा है, ये इनपुट आउटपुट स्पेस पार्टीशन करता है। मेंबर फंक्शंस का सिलेक्शन में काम आता है। फजी रूल बेस क्या करता है, इनपुट आउटपुट वेरिएबल का सिलेक्शन, टाइप ऑफ द फजी कंट्रोल रूल्स के में काम आता है। इन्फेरेंस इंजन कर्नल की तरह काम करता है। बेसिकली इट सिमुलेट्स ह्यूमन डिसीजन बाय परफॉर्मिंग अप्रोक्सीमेट रीजनिंग। डी फजी फाइजर क्या कर रहा है, इट इज टू कन्वर्ट द फजी वैल्यूज इनटू द क्रिस्पी वैल्यूज गेटिंग फ्रॉम फजी इन्फेरेंस इंजन, जो मैंने अभी ऊपर डिस्क्राइब किया। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फजी लॉजिक कंट्रोल। अब आप खुद सोचिए एडवांटेजेस क्या होगी, अगर अपन फजी लॉजिक अप्लाई करते किसी भी कंट्रोल सिस्टम में। तो पहली बात, वो सस्ता हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा, यानी कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइजेबल हो गया, रिलायबिलिटी मिल गई, इम्यूलेट ह्यूमन डिटेक्टिव थिंकिंग थोड़ी बहुत आ जाएगी इसके अंदर, एंड एफिशिएंसी तो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक्सपर्टीज एंड आपकी एक्सपीरियंस दोनों मिल रहे हैं ह्यूमन माइंड के, फजी लॉजिक्स को कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई करने के लिए। अब लाइक लेट्स सपोज
किसी भी एग्जांपल जैसे कि अपन ले, हाँ कार, ड्राइवरलेस कार देख लो। ड्राइवरलेस कार के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करके लेफ्ट राइट मोशन करता रहेगा। तो एक तरह से पहले अपन नॉर्मल जो गाड़ी आती जिनमें अपन को खुद को ड्राइव करना है तो उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम होता था, बट इसमें फजी लॉजिक अप्लाई कर देंगे तो इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ऑब्स्टेकल को और आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, बस पीछे वाली सीट पर मस्ट बैठ के जाने का, जैसे टेस्ला कर रहा है राइट नाउ। ओके, सो डिसएडवांटेजेस क्या है देख लो। रिक्वायर्ड लोड्स ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा की नीड है। आप टेस्ला की कार का एग्जांपल उठाए तो वही ले लेते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, हाल ही में पता चला है कि चांद को देख के वो सिग्नल समझ के वो गाड़ी स्लो चल रही थी हाईवे के ऊपर, तो एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा टेस्ला की कार का। तो यहाँ पर बहुत सारे डेटा की रिक्वायरमेंट हो गई कि उस मशीन को पता होना चाहिए कि भैया वो चांद है, कोई सिग्नल नहीं है या कोई येल्लो सिग्नल नहीं है जो आपको गाड़ी धीरे चलानी है। तो यहाँ पर बहुत सारे डेटा की नीड पड़ेगी ताकि वो एक तरह से मशीन अंडरस्टैंड कर सकते कि ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। यूजफुल इन केस ऑफ मॉडरेट हिस्टोरिकल डेटा हो गए। नीड हाई ह्यूमन एक्सपर्टीज, ह्यूमन लेवल की एक्सपर्टीज की अभी भी नीड है टेस्ला, दैट्स वाई वी डोंट वॉन्ट इन इंडिया राइट नाउ, बिकॉज इतना इंडिया के अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है सड़क पे, रूल्स कम्प्लीटली फॉलो नहीं होते एंड ऑल द थिंग्स। तो अभी ह्यूमन लेवल तक की ह्यूमन एक्सपर्टीज बहुत हाई लेवल की चाहिए, खासकर तो इंडिया में टेस्ला कार को लाने के लिए। एक तरह से कि टेस्ला का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फजी लॉजिक कंट्रोल में थे अपन, तो नीड रेगुलर अपडेटिंग ऑफ द रूल्स, रूल्स को भी अपडेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो रूल्स भी चेंज होंगे। सम फजी टाइम लॉजिक इज कन्फ्यूज विद द प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड द टर्म्स, कुछ फजी टाइम लॉजिक्स कन्फ्यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द FL, स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क प्रीली इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।